नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल जी एस वाई न्यूज़ सर में। कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। बट आज की जो क्लास है ये टीजीटी पीजीटी कला को निरूपित है और टीजीटी आर्ट में आप जानते हैं 148 पद आए हैं। 148 फतेह करना है बेटा, उसके लिए हमें टेस्ट पेपर भी देना होगा, मॉडल पेपर, प्रीवियस ईयर पेपर और प्रैक्टिस सेट भी सॉल्व करना होगा। सब कुछ हम लोग अपनाएंगे, कोई भी हथकंडा बाकी नहीं रहेगा, चाहे वो टेस्ट पेपर हो, मॉडल पेपर हो, हैंड रिटन मॉडल पेपर हो या फिर प्रैक्टिस सेट हो, सब कुछ देखने का प्रयास करेंगे। आज उसी क्रम में हम लोग जो है टेस्ट पेपर 52 लेकर के आए हैं। इससे पहले 51 टेस्ट पेपर हो चुके हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग उसे दे चुके होंगे। हमारा उद्देश्य है नई शिक्षक भर्ती 148 में फाइनली फतेह करना। उसके लिए कोई डाउट्स नहीं होना चाहिए, ना ही कहीं जो है शंका होनी चाहिए। टेस्ट पेपर 52 में पहला क्वेश्चन जो लिया गया है बेटा, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अजंता गुफाएं किस नदी के तट पे स्थित हैं? बाघौर नदी, नर्मदा नदी, कृष्णा नदी, गंगा नदी। बेटा अजंता गुफा मूल रूप से कौन सी नदी तट पे स्थित है ये आपको बताना था। महाराष्ट्र औरंगाबाद में पाया जाता है, ये तो आप जानते ही होंगे अजंता। और अजंता के लिए फेमस क्या है बेटा? 30 गुफाएँ फेमस हैं, 1, 2, 9, 10, 16, 17 में चित्रण मिलते हैं। 1, 2, 9, 10, 16 और 17 नंबर गुफा में चित्रण मिलते हैं। टोटल 30 गुफाएं होती हैं। कौन सी नदी है बेटा? तो बाघौर नदी के किनारे स्थित है। राइट आंसर जो है ए के साथ बनेगा, ए इज़ द राइट आंसर। आप जानते होंगे अजंता की खोज किसने की थी, तो 1819 से सन बहुत बार पूछा गया है। 1819 ईस्वी में किसने खोजा बेटा? जॉन स्मिथ साहब खोजते हैं, जॉन स्मिथ साहब खोजते हैं। कल बेटा बुखार की वजह से क्लास नहीं हो पाई, उसके लिए हमें खेद है। क्लास अब रेगुलरली होगी। हाँ, जो है नोट्स वितरण का कार्य स्थगित कर दिया गया है। नोट्स के लिए अब लखनऊ 3 दिन लगातार कोई ना आए, ठीक है। 10, 11, 12 में गांव पे रहूँगा। 13 तारीख को पुनः जो है नोट्स वितरण का कार्य स्टार्ट होगा। तो लखनऊ में जो लोग आना चाहते हैं वो लोग 13 तारीख को आएँ। नोट्स वितरण का कार्य स्थगित है। प्रश्न संख्या 2 की बात करते हैं। पूछा गया पत्थर की मार विजय मूर्ति कला का गुफा संख्या में स्थित है। बड़ा कुल मिला के कहा जा रहा है मार विजय कहाँ है? ऑप्शन है 15, 26, 20, 10। तो पत्थर की मार विजय मूर्ति जो है कहाँ पे बनाई गई है? आप जानते हैं गुफा संख्या 26 में बनाई गई है। राइट आंसर सी के साथ बन रहा है, सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 3 की तरफ बढ़ते हैं। 3 में कहा गया है पाल चित्रकारी में इनमें से किसके आधार पर रूप में इस्तेमाल किया गया है? तो पाल चित्रकारी में इनमें से किसके आधार पर रूप में इस्तेमाल किया गया है बेटा? कागज़ का पत्ता, लकड़ी का पत्ता, ताड़ का पत्ता या फिर तांबे का पत्ता। तो पाल चित्रकारी में मूल रूप से किसके आधार पर ताड़पत्र या फिर राजपत्र के जो है हिसाब से काम किया गया है? तो ताड़पत्र पर ज़्यादातर काम हुआ है। पाल शैली ताड़पत्र के लिए जानी जाती है। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 4 की बात करते हैं। 4 में कहा गया है प्राचीन बौद्ध कला पर प्रकाश डालने वाला इतिहासकार तारानाथ थे। बेटा प्राचीन बौद्ध कला इतिहास को जो है सजोलने का काम, जो है खगोलने का काम, देखने का काम, उकेरने का काम तारानाथ कर रहा है। ये कहाँ के हैं? तो आप जानते हैं चीन, कश्मीर, तिब्बती, पाकिस्तानी। राइट आंसर तिब्बती होगा। लामा तारानाथ के साथ ही इनका संबंध है। राइट आंसर बी के साथ बनेगा, बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तिब्बती तारकनाथ ने बौद्ध धर्म पे बहुत सारी जो है शैलियाँ भी बताई हैं, जैसे आप जानते होंगे देव शैली, यज्ञ शैली, नाग शैली। तो देव शैली, यज्ञ शैली, नाग शैली इन्हीं ने कहा है, देव शैली, यज्ञ शैली और नाग शैली। इसकी विशेषता मूल रूप से किसने बताई है? तो तारानाथ ने ही बताई है, तिब्बती इतिहासकार है। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 5 की बात करते हैं। पूछा गया प्रसिद्ध नालंदा किस राज्य में स्थित है? प्रसिद्ध नालंदा कहाँ पे स्थित है? उत्तरांचल में, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, मध्य प्रदेश में। बड़ा आजकल राजनीति का पॉइंट बन चुका है। आप जानते होंगे सुशासन बाबू ने पुनः जो है वहाँ पे विग्रह कर दिया है, मुख्यमंत्री की रेस में वो फिर नंबर एक पे है। तो नालंदा किस राज्य में स्थित है? बड़ा बिहार राज्य में स्थित है। आप जानते होंगे कुमारगुप्त द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया जाता है। नालंदा मूल रूप से किसने एस्टेब्लिश करवाया? तो कुमारगुप्त ने करवाया है, कुमारगुप्त के द्वारा करवाया जाता है। नालंदा में ही आता है कौन? चीनी यात्री ह्वेनसांग। ह्वेनसांग आता है, बहुत सारा विवरण देता है, चीन चला जाता है, ठीक है। तो कुमारगुप्त के द्वारा नालंदा का निर्माण करवाया जाता है, बिहार में स्थित है। बी राइट आंसर हो जा रहा है। प्रश्न संख्या 6 की बात करते हैं। पूछा गया गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया है? गौतम बुद्ध ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया है? ऑप्शन संसारनाथ, नालंदा, कुशीनगर, बोधगया। राइट आंसर क्या होगा बेटा? तो आप जानते होंगे गौतम बुद्ध का निर्वाण आप जानते हैं कुशीनगर में प्राप्त हुआ है। जो लोग कुशीनगर से हैं उन्हें राइट आंसर पता होगा, क्योंकि उन्हीं के जिले की बात होती है। राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। प्रश्न संख्या 7 की बात करते हैं। पूछा गया भारतीय लघु चित्र शैली की परंपरा कब अधिक फली फूली? तो भारतीय लघु चित्रों की शैली कब अधिक फूली फली है बेटा? 8वीं, 17वीं शताब्दी,
दसवीं अठारहवीं शताब्दी के बीच, नौवीं उन्नीसवीं शताब्दी के बीच या फिर ग्यारहवीं बारहवीं शताब्दी के बीच। तो बेटा भारतीय लघु शैली आप जानते होंगे कब ज़्यादा बढ़ती है, तो भारतीय लघु चित्रकला नौवीं से उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य सब कुछ आ जाता है, नौवीं से उन्नीसवीं, चाहे वो 1550 से 1900 ईस्वी के मध्य का डाटा हो ये, और चाहे ये जो है राजस्थानी शैली हो, पहाड़ी शैली हो, अभ्रंश शैली हो, सब कुछ इसी में आ जाती हैं। तो नौवीं से उन्नीसवीं शताब्दी राइट आंसर हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या आठ की बात करते हैं। आठ में कहा जाता है किस चित्र शैली में लघु चित्र बनने प्रारंभ हुए, किस चित्र शैली में लघु चित्र बनने प्रारंभ होते हैं बेटा, अजंता में, बाघ में, जैन में या फिर बंगाल चित्र शैली में। तो लघु चित्र बनने की परंपरा कहाँ से स्टार्ट होती है बेटा, जैन शैली से स्टार्ट होती है, और जैन शैली आप जानते हैं कब से कब तक की है, आठवीं से ग्यारहवीं शताब्दी के मध्य की है, ठीक है। कई जगह जैन शैली आठवीं से ग्यारहवीं मिलती है, कई जगह आठवीं से पंद्रहवीं मिलती है, तो कन्फ्यूज़ नहीं होना है, आठ से पंद्रह भी राइट आंसर बनता है, अगर 11 नहीं होगा तो 8 से 15 राइट आंसर होगा। प्रश्न संख्या 9 की बात करते हैं। 9 में पूछ लिया गया है हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का प्रयोग हुआ है, हड़प्पा काल में मिट्टी के बर्तनों पर कौन सा रंग ज़्यादा लगा है, सफ़ेद रंग, लाल रंग, काला रंग, पीला रंग। बेटा हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर मूल रूप से ज़्यादातर जो रंग प्रयोग किया गया वो लाल रंग का लेप लगाया गया है, तो लाल रंग यानी गेरुआ रंग राइट आंसर बनेगा, सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 10 की बात करते हैं। 10 में कहा गया है पुजारी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, पुजारी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है, बराक घाटी से, बागेश्वर से, मेड़ा घाटी से या फिर सिंधु घाटी से। तो बेटा जो पुजारी की मूर्ति मिली है, पुजारी की मूर्ति सिंधु घाटी से प्राप्त होती है, सिंधु घाटी राइट आंसर डी के साथ बनेगा, सिंधु घाटी इज़ द राइट आंसर एंड डी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 11 की बात करते हैं। 11 में पूछा गया है दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त हुई है, दुशाला ओढ़े योगी की मूर्ति किस खुदाई से प्राप्त हुई है, रामगढ़ की खुदाई से, मोहनजोदाड़ो खुदाई से, हड़प्पा की खुदाई से या फिर लोथल की खुदाई से। बेटा दुशाला ओढ़े योगी की जो मूर्ति है मूल रूप से मृतकों का टीलस पाया जाता है, यानी मोहनजोदाड़ो से पाया जाता है, राइट आंसर सी के साथ बन रहा है, सी इज़ द राइट आंसर। डाटा नोट डाउन कर लीजिएगा बेटा, हल्के मत लीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन हल्के मत लीजिएगा कि ये बहुत बार रिपीट हुआ है तो इसे नहीं लिखेंगे, हो सके तो लिख लीजिए, कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं होता, एक आध सेकंड लगता है लेकिन डाटा आपको कंठस्थ रहेगा कभी भी है। सिंधु घाटी में प्राप्त मोहरे बनी है किसकी, मिट्टी की, लकड़ी की, सीमेंट की या फिर चमड़े की। बेटा सिंधु घाटी सभ्यता में जो प्राप्त मोहरे हुई हैं वो मिट्टी की हुई हैं, तो राइट आंसर मिट्टी बनेगा, यानी ए इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 13 की बात करते हैं। 13 में पूछा गया भारतीय कला का सबसे प्राचीन केंद्र है क्या है, अजंता, महाबलीपुरम, सिंधु घाटी सभ्यता या फिर खजुराहो। भारतीय कला का सबसे पुराना केंद्र जो माना जाता है बेटा वो सबसे पुराना केंद्र है सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता राइट आंसर सी के साथ हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 14 की बात करते हैं। 14 में कहा गया मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ है, मिट्टी के बर्तनों का आविष्कार किस काल में हुआ है, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, सिंधु सभ्यता या फिर नवपाषाण काल। बेटा मिट्टी के बर्तन बनने का जो काम स्टार्ट होता है वो नवपाषाण काल में होता है, तो राइट आंसर नवपाषाण काल बनेगा, यानी डी इज द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 15 की बात करते हैं। पूछा गया दक्षिण भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक क्षेत्रों के लिए मशहूर है, प्रागैतिहासिक क्षेत्रों के लिए कौन फेमस है बेटा, बेल्लारी, मद्रास, लोथल, कर्नाटका। बेटा दक्षिण भारत का केंद्र है और मूल रूप से प्रागैतिहासिक काल के चित्र ज़्यादा पाए जाते हैं, फेमस भी है, कर्नाटकम है, यानी बेल्लारी राइट आंसर हो जाएगा, बेल्लारी इज़ द राइट आंसर यानी ए इज़ द राइट आंसर। कुछ लोग सोच रहे होंगे क्वेश्चंस इतने रिपीट हो रहे हैं तो इसे करने से क्या फ़ायदा, कुछ लोग बहुत सारे लोग जो है फ़ोन करके, बहुत सारे लोग मैसेज करके बताए सर मुश्किल से 8 से 10 क्वेश्चन हमें नहीं मिल रहे हैं बाकी रिपीटेड हैं। बेटा यही तो एक खासियत है, आपको सब कुछ मिलेगा, कंबाइंड मिलेगा, सब कुछ डाटा एक साथ देखने को मिलेगा। प्रश्न संख्या 16 की बात करते हैं। पूछा गया राग रागनी के चित्र भारत के किस प्रदेश में मुख्यतया पाए जाते हैं, राग रागनी के चित्र भारत में कहाँ पाए जाते हैं, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में या राजस्थान में। आप जानते हैं राग रागनी का ज़्यादातर चित्रण जो है राजपूत शैली में हुआ है, और राजपूत शैली कहाँ पर थी, तो राजपूत शैली मूल रूप से राजस्थान में थी, राइट आंसर डी के साथ जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 की बात करते हैं। 17 में कहा जाता है उत्तर भारत में कंपनी शैली का प्रमुख केंद्र था, बेटा उत्तर भारत का कंपनी शैली का सबसे बढ़िया केंद्र कौन सा है, कानपुर, आगरा, नैनीताल, पटना। बेटा कंपनी शैली का उपनाम ही पटना शैली है, याद रखना है, तो कंपनी शैली उत्तर भारत में कहे या भारत में कहे पटना में ही इस्टेब्लिश होती है, राइट आंसर ए के साथ चला जाएगा, पटना इज़ द
राइट आंसर। प्रश्न संख्या 18 की बात करते हैं। 18 में कहा जाता है युधिष्ठिर की स्वर्ग यात्रा किसका चित्र है। युधिष्ठिर की स्वर्ग यात्रा किसका चित्रण है, गगनेन्द्रनाथ टैगोर, क्षितिजनाथ मजूमदार, रवि वर्मा या फिर नंदलाल बोस। बड़ा युधिष्ठिर की स्वर्ग यात्रा मूल रूप से जो बनाया गया है वो नंदलाल बोस के द्वारा बनाया गया है, तो नंदलाल बोस यानी मास्टर मोसाय राइट आंसर बनेंगे, डी इज़ द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 19 की बात करते हैं। 19 में कहा जाता है रंगरसिया फिल्म किस कलाकार की जीवनी पर आधारित है। बेटा रंगरसिया फिल्म किसकी जीवनी पर है, एम एफ हुसैन के, एफ एन सूजा के, राजा रवि वर्मा के, मंजीत बाबा के। बेटा रंगरसिया फिल्म जो बनाई गई है वो मूल रूप से राजा रवि वर्मा के जीवन पर आधारित है, तो राजा रवि वर्मा राइट आंसर बनेंगे। राजा रवि वर्मा वही बेटा 7 नवंबर 2014 को रिलीज होती है ये रंगरसिया फिल्म, और मूल रूप से रणबीर सिंह हुड्डा राजा रवि वर्मा के किरदार को निभाते हैं। केरला क्लीमन्नूर में राजा रवि वर्मा का जन्म होता है, ये भी आपको याद रखना होगा, केरला क्लीमन्नूर। ठीक है, तो राइट आंसर बी के साथ बन रहा है। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रिंस ऑफ वेल्थ संग्रहालय कहाँ स्थित है। प्रिंस ऑफ वेल्थ संग्रहालय कहाँ पाया जाता है बेटा, कोलकाता में, चेन्नई में, मुंबई में या फिर दिल्ली में। बेटा प्रिंस ऑफ वेल्थ संग्रहालय जो है ये मुंबई में स्थित है। आप जानते होंगे पहले इसको जो है छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय के नाम से भी जाना जाता था, तो राइट आंसर बी के साथ बन रहा है, बी इज़ द राइट आंसर। कुल मिला के टेस्ट पेपर कम्प्लीट होता है, 52 में कितने क्वेश्चन आपके सही गए हैं कमेंट के माध्यम से छापिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।